इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक के ऊपर अपहरण का मामला पटना में दर्ज कराया गया है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विनय बिहारी, और उनके ऊपर जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई गई है। इस प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विधायक अपनी पत्नी और एक समर्थक के साथ एक छात्रा का अपहरण करवाए हैं। बात की जाए तो इसको लेकर पटना के कंकड़बाग में एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बात की जाए तो विनय बिहारी को लेकर जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई, उसमें मिली जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के खिलाफ कॉलेज छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विधायक सहित उनकी पत्नी और एक समर्थक के खिलाफ मामला FIR के तौर पर दर्ज किया है। थाने में दर्ज FIR के अनुसार जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 9 फरवरी को ये घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि भूतनाथ रोड स्थित प्रोग्रेसिव कॉलोनी निवासी ब्रजेश कुमार और रेखा कुमारी की 25 वर्षीय बेटी रिमिशा राज कॉलेज ऑफ कॉमर्स परीक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद वह वापस नहीं लौटी। इसके बाद थाने में शिकायत करने पहुंची रेखा कुमारी ने बताया कि उनकी बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ था। लगभग 3 बजे बेटी के नंबर से मैसेज मेरे मोबाइल पर आया और फ़ोन पर बात करने की बात कही गई, फिर कॉल करने के बाद सीधे लौरिया विधायक विनय बिहारी से हुई। विधायक ने उस समय 1 घंटे बाद बात करने के लिए कहा। 1 घंटे के बाद कॉल करने पर विनय बिहारी ने बताया कि उनकी बेटी सही सलामत है, आपको SP DSP जिसके पास जाना है जाइए, लड़की साले राजीव सिंह के पास है। बात की जाए तो एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उसमें अब जब FIR दर्ज किया गया है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करती है, क्योंकि जो आरोप इस वक्त छात्रा की मां ने लगाया है वो काफ़ी गंभीर है। जिस तरीके से छात्रा की मां का कहना है कि उनके मोबाइल फ़ोन पर उनकी बेटी के नंबर से मैसेज आया और एक नंबर पर बात करने की बात कही गई, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ऐसे में अगर सुबह के एक विधायक के ऊपर इतना बड़ा संगीन आरोप लगता है तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर पुलिस अपनी कार्य करती है। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार पर मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।